नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस चुनाव समिति की एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में मध्य प्रदेश ने अपनी उम्मीदवारों की बाट जो रहे कैंडिडेट्स के भाग्य का भी फैसला हो सकता है। ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में करीब 150 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। हालांकि इनकी सूची अभी जारी नहीं की जाएगी। दिल्ली में हो रही इस बैठक में कांग्रेस राज्य में अपनी चुनावी परिनीति को लेकर भी चर्चा करेगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अधीरंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, केसी वेणुगोपाल, मधुसूदन मिस्त्री जैसे शीर्ष पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। वहीं एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, एमपी स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख जितेंद्र सिंह, प्रदेश के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा उससे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले साफ सुथरी मतदाता सूची बनाने की मांग की। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और मध्य प्रदेश के कई जिलों में मतदाता सूची में नामों को दोहराव दिखाने वाली रिकॉर्ड की प्रतियां प्रस्तुत की। इस पर चुनाव आयोग ने इसमें सुधार का दावा किया। चुनाव आयोग से बातचीत के बाद कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने मीडिया से कहा कि आयोग ने कहा है कि उसने लगभग 11 लाख फर्जी नाम हटा दिए हैं और मतदाता सूची को फिर से सही किया है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को 43 जिलों में संबंधित आंकड़े पेश किए। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा, हमने चुनाव आयोग से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस दोहराव मुद्दे को अपने स्तर पर उठाने और मतदाता सूची को त्रुटि रहित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।